चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट रेजिस्टर्स का जो भी टेम्परेचर डिपेंडेंस था वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जैसे हम कल डिस्कस किए थे कि जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो बेसिक बातें सारी हो गई है। अब कुछ एप्लीकेशन रिलेटेड पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है और जिससे रिलेटेड कल हमने डिस्कशन शुरू करने की बात की थी अबाउट रेजिस्टर, रेजिस्टेंस एंड उसका टेम्परेचर डिपेंडेंसी हमने स्टडी करने के बाद यहाँ पे रेजिस्टर रिलेटेड डिस्कशन हमें शुरू करना था। और ये रेजिस्टर मतलब होता क्या है ये मैंने लास्ट के 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली क्या होता है। हमने देखा कि रेजिस्टेंस मतलब टेंडेंसी है जिसका काम ही है अपोज करना टू द इलेक्ट्रिक करंट। और कंडक्टिंग मटेरियल अगर है तो वहां पे ये जो रेजिस्टेंस का काम है वो प्रोवाइड कौन करता है, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है एटम के और फ्री इलेक्ट्रॉन के पाथ पे जो आने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमारा करंट कैरी करने वाले इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपोज करते हैं, यानी टेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम अगर कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना रहे, कोई सर्किट अगर डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे हमें कुछ ऐसे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं जिनका काम ही होता है करंट को लिमिट करना, करंट को अपोज करना। और उस पर्पज के लिए जो हम आर्टिफिशियल मैनमेड हमने बनाए हुए कंपोनेंट्स यूज करते हैं उनको बोला जाता है रेजिस्टर। तो रेजिस्टर ये कंपोनेंट है जिसका काम होगा रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करना। जैसे हमने कैपेसिटर पढ़ा था और कैपेसिटर का काम क्या था याद है किसी को, रेजिस्टर का काम सॉरी कैपेसिटर का काम क्या था, चार्ज को या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना। तो कोई भी आप अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस है, फिर आपका कंप्यूटर पीसी लैपटॉप मोबाइल जिसमें प्रोग्रामिंग है, वो सारे बनाने के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स वहां पे यूज करने पड़ते हैं। उसमें से पहला होता है कैपेसिटर, दूसरा होता है रेजिस्टर जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड आगे जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में और एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज इंडक्टर। तो कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, इन तीनों को मिला के LCR बोला जाता है, L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर, R फॉर रेजिस्टर। तो कोई भी सर्किट जब भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो वहां पे ये तीनों डिवाइसेस के वर्किंग के ऊपर ही पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो उनका वर्क करने का स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है। LCR, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर, जिसमें से कैपेसिटर अपन लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, रेजिस्टर अभी पढ़ने वाले हैं एंड इंडक्टर आगे आने वाला है, ठीक है। तो रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस उनमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, बेसिकली एक कंपोनेंट है एंड उसी कंपोनेंट की जो टेंडेंसी है उसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन ये रेजिस्टेंस की बात देखेंगे तो ये रेजिस्टर में तो होता ही होता है, लेकिन जितने सारे कंडक्टिंग मटेरियल हम यूज करेंगे ये उनकी भी इंटरनल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट होती है, वो हम वैरी नहीं कर सकते। तो वहां पे सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए उसकी वैल्यू जो है हमें चेंज करनी होती है, कम करनी होती है, तो हम क्या करते हैं रास्ते में, जैसे रोड पे से जा रहे हैं और गाड़ी की स्पीड कम करानी है, हम अंदर बैठ के ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो अंदर बैठ के स्पीड को कंट्रोल करने वाले हैं उनके ऊपर अपन बिलीव नहीं कर सकते, कोई स्कूल है कोई विलेज है, तो हम क्या करते हैं उसके आगे पीछे बाजू में स्पीड ब्रेकर्स डाल देते हैं, और स्पीड ब्रेकर्स आने की वजह से उसकी इच्छा हो या ना हो उसको ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ते हैं और स्पीड अपनी कम करनी पड़ती है, ठीक है। उसी तरह की बात यहाँ पे करंट की होती है, कंडक्टिंग मटेरियल तो करंट को कंट्रोल कर ही रहा है, लेकिन वो कंट्रोल अगर सफिशियंट नहीं है तो हम उसके पाथ में रेजिस्टर बिठा देते हैं, और ये रेजिस्टर क्या करता है फिर उस फ्लो होने वाले करंट को अपोज करता है, यानी लिमिट करता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टर मतलब कंपोनेंट है विच प्रोवाइड्स द टेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, इतनी बेसिक बात है। अब ये जो कंपोनेंट है इनका काम ही है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, तो इसको हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चर करते टाइम मैंने कल बोला था कि पहले के जमाने में हम इनकी जगह पे मतलब जो रेजिस्टर है वो यूज करते थे, वो थे वायर वाउंड रेजिस्टर। मतलब एक सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग फ्रेम थी, उसके ऊपर इंसुलेटिंग वायर अपन वाउंड करते थे एंड उसमें से करंट फ्लो होता था, तो वहां पे इंसुलेटिंग मटेरियल उसको क्या करता था, अपोज प्रोवाइड करता था, और वहां पे हमारा काम होता था।
लेकिन ये रेजिस्टर, वायर वाउंड रेजिस्टर का जो है, इनके ड्रॉबैक बहुत सारे थे। पहला ड्रॉबैक था इनकी साइज बल्की थी। अब इमेजिन करो, हम जो मोबाइल बना रहे हैं, दिन ब दिन मोबाइल की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ये मोबाइल जो है वो स्लिम होते 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 जा रहा है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद वो हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। लेकिन अगर इमेजिन करो कि इतने बड़े दो तीन रेजिस्टेंस लग गए, हमारा पूरा मोबाइल एकदम स्लिम है एंड बीच बीच में इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पे उसकी साइज जो है वो बल्की हो जाएगी। ये सबसे पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम, जो रिक्वायर्ड साइज हमें होती है वो मार्केट में मैन्युफैक्चर करते टाइम अवेलेबल ही नहीं होती थी, इसलिए हमें उस साइज के अकॉर्डिंग ही सर्किट को डिजाइन करना पड़ता था। उसकी वजह से हमें कंपोनेंट्स बनाने में लिमिटेशंस आते थे। एंड तीसरी बात, ये वायर वाउंड रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चर करने की प्रोसेस थोड़ी सी, क्या बोलते उसको, डिफिकल्ट थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, इसलिए उसकी कॉस्ट भी प्राइस भी हाई थी। तो ये सारे तरीकों से यूजलेस थे, लेकिन जब तक ऑप्शन नहीं था तब तक हम उसको यूज कर रहे थे। और उनको रिप्लेस करके हमने इंट्रोड्यूस किया था कार्बन रेजिस्टेंस। और ये कार्बन रेजिस्टर बनाने के बाद हमने क्या किया कि वायर माउंट के जो भी डिसएडवांटेजेस थे सारे यहाँ पे मेंटेन कर लिए। सबसे पहले मैंने कल बोला था कि ये 2 ओम से लेके 2×10^12 ओम तक जो भी चाहिए आपको मार्केट में इजीली मिलता है, इजीली अवेलेबल है। दूसरी बात, इनकी साइज हमने इतनी स्मॉल बना दी क्योंकि हमें मालूम है कि आगे एकदम कॉम्प्लिकेटेड डेलिकेट छोटे छोटे सर्किट में हमें इनको अप्लाई करना है, तो हमने इनकी साइज जो है एकदम स्मॉल बना दी। इतनी स्मॉल कि उसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि उसके ऊपर अगर नंबर प्रिंट करेंगे तो वो नंबर अपन देख नहीं पाते थे, इतना स्मॉल ये रजिस्टर हमने बना दिया। तीसरी बात, एकदम चीप है। मैंने बोला था कि किलो पे मिलते हैं, इतना इतना कोई मतलब कॉस्टली पार्ट इसमें नहीं है। मतलब वायर वाउंड के जो सारे डिसएडवांटेज थे वो हमने यहाँ पे मेंटेन करके ये कार्बन रेजिस्टर को मैन्युफैक्चर किया। और नाउ ऑनवर्ड, मतलब अब हर तरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन करके उनको बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन रेजिस्टर जो है इनका यूज करते, ठीक है। लेकिन कल जो डिस्कस करना हमने स्टार्ट किया था उसका ये प्रॉब्लम था कि हमने इनको इतना छोटा बना दिया कि वहां पे नंबर प्रिंट करके उसको आइडेंटिफाई करना ये प्रैक्टिकल केस नहीं बची। साइज तो बढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि सर्किट में एप्लीकेशन के लिए हमें वही साइज रिक्वायर्ड होती है। तो हमने क्या किया था, हमने मतलब एक्चुअल में जो इनको मैन्युफैक्चर करने वाले थे जिसको अपन स्पेशली क्रेडिट देते हैं EIA को। EIA मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्रीज है उनके एसोसिएशन ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे हम नंबर प्रिंट नहीं करेंगे। हम नंबर प्रिंट करने की बजाय क्या करेंगे, जो भी रजिस्टर होगा इस तरह का, जो भी सिलेंड्रिकल फ्रेम वाला रजिस्टर होगा, ये इनपुट एंड आउटपुट होगा, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसे कलर बैंड प्रिंट करेंगे। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसे कलर बैंड प्रिंट करेंगे चार। और ये कलर बैंड के ऊपर से हमें फिर गिवन रजिस्टर जो भी कंपोनेंट है उसका रेजिस्टेंस कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो साइज कितनी भी छोटी हो जाए कलर को आइडेंटिफाई करना एकदम इजी प्रोसेस होती है, इसलिए हमने क्या किया, एक कलर कोडिंग का टेबल बनाया और यहाँ पे कलर बैंड प्रिंट कर दिए और वहां से हम इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने लगे, ठीक है। तो ये सारी बातों के लिए जो भी कलर बैंड बनाया गया था, फिर कलर बैंड के ऊपर से जो है रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना, इसके लिए एक टेबल बनाया गया जो मैं यहाँ पे आपको भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें फर्स्ट कॉलम आएगा कलर का, दूसरा आएगा कोड, उस कलर का कोड, उसके बाद आएगा इनका मल्टीप्लायर एंड एट द एंड होगा इसका टोलरेंस। अब कलर कोड क्या है, मल्टीप्लायर क्या है, टोलरेंस क्या है, आगे आगे सारा समझ में आने वाला है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये कलर्स वहां पे हमने प्रिंट करना शुरू कर दिया और इन सारे कलर को हमने पर्टिकुलर कोड डिसाइड किए कि अगर वहां पे ब्लैक कलर प्रिंट किया है तो उसका कोड कंपलसरी 2 होगा, अगर वहां पे ब्राउन है तो उसका मतलब 1 होगा, अगर रेड है तो 2, ऑरेंज है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8,
एंड 9। सिर्फ जो बोर्ड पे दिख रहे हैं सीक्वेंस में वही कलर यहाँ पे रहेंगे। आपने जो आवड़ता चॉकलेटी जामड़ा वगैरह वो कलर यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करने, ठीक है। कौन कौन है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट। और ये कोड हो गए रिस्पेक्टिव दैट कलर। अब इनके साथ में आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब ही होगा कि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कहां पे मल्टीप्लाई करेंगे आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये मल्टीप्लायर में क्या हुआ, ये सारे जो नंबर थे वो बस क्या बन गए, 10 की पावर बन गए। ये सारे जो नंबर थे वो 10 की पावर बन गए, यानी ये बन गया 10^0, 10^1, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6, 10^7, 10^8, 10^9, ठीक है। ये आ गए इनके मल्टीप्लायर। अब ये मल्टीप्लायर होने के बाद यहाँ पे लास्ट कॉलम आता है टोलरेंस का। टोलरेंस, अब ये टोलरेंस मतलब क्या है, हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जब एरर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टोलरेंस का मतलब होता है अलाउएबल एरर। टोलरेंस का मतलब होता है अलाउएबल एरर, मतलब होता क्या है, देखो कि बेसिकली कोई भी चीज जब भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको 100% एरर लेस, उसमें एरर ही नहीं है, ऐसे अपन बना ही नहीं सकते, मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले से डिटरमाइन करते हैं कि इसमें जो आने वाला एरर है एक तो वो मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं, एंड मिनिमाइज होने के बाद वो कितना आने वाला है ये पहले से अपन कैलकुलेट करते हैं। अगर ये हमें मालूम हो गया कि इसकी मेजरमेंट में इतना एरर आने वाला है तो हम उसको अगर कंसीडर करेंगे तो बाकी चीजों के ऊपर होने वाला जो भी चेंजेस है हम उसको मतलब मिनिमाइज कर सकते, निग्लेक्ट कर सकते। उसी तरह से ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते टाइम वहां पे समझ में आ गया कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है हम यहाँ पे मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए उसमें आने वाला जो एरर है अलाउएबल एरर है। अलाउएबल मतलब हमने अलाउ किया है कि आप रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप इसमें इतना एरर ला सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्कर नहीं है, मार्कर अपन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका टिप होता है एंड उसकी कैप होती है ना, झक्कन यानी मार्कर, ठीक है। तो दोनों को हम बनाते हैं अलग अलग मशीन पे। अगर मार्कर का टिप है तो उसकी आउटर डायमीटर भी 1 सेंटीमीटर है, अगर कैप है तो उसकी इनर डायमीटर भी 1 सेंटीमीटर है, ऐसे हमें रिक्वायर्ड होता है। लेकिन दोनों अगर एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर बन गए तो नहीं चलेगा, हमें उनको अगर फिक्स करना है तो हम इसको बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर से आप अगर 0.1 लेस भी बनाएंगे हम एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, मतलब हमने उसको एरर अलाउ किया -0.1 सेंटीमीटर, ये अलाउएबल एरर है, मतलब वहां पे टोलरेंस हो गया था, ठीक है। तो उसी तरह से ये रेजिस्टेंस में भी हम टोलरेंस देते हैं। और ये टोलरेंस के लिए हमने क्या किया है, ये जो लास्ट वाला राइट मोस्ट कलर है इसको हमने अलग से गोल्डन, सिल्वर एंड लास्ट में एनसी, एनसी मतलब कोई भी नहीं, नो कलर, ये लास्ट में दिख रहा नहीं आपको, गोल्डन, सिल्वर एंड उसके बाद में कौन है, नो कलर, ऐसे 3 कलर हम टोलरेंस के लिए यूज करते हैं। एंड इनके रिस्पेक्ट में टोलरेंस है गोल्डन के लिए ±5%, अगर सिल्वर कलर है तो ±10%, एंड कोई भी कलर प्रिंट नहीं किया गया है इसका मतलब उसका टोलरेंस सबसे ज्यादा होगा, दैट विल बी 20%, ठीक है। ±10%, ±20% एंड ±5%, ये रिस्पेक्टिव एरर वहां पे हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। आई थिंक अब विजिबल होगा, ज्यादा इश्यू, एक मिनट। चलो अभी क्लियर। तो ये गोल्डन, सिल्वर, नो कलर, इनको कोड नहीं होते, इनको होते सिर्फ टोलरेंस, एंड कभी कभी इनके मल्टीप्लायर भी हमें यूज करने पड़ते हैं। तो इनके मल्टीप्लायर्स दिए जाते हैं गोल्डन के लिए 10^-1, सिल्वर के लिए 10^-2। और ये जो टेबल आप बोर्ड पे दिख रहे हो, देख रहे हो, इस टेबल के ऊपर से हमें गिवन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी टेबल प्रिंट करके नहीं देते, मतलब आपको जो टेबल पे वैल्यू दिख रही है इनको लर्न करना पड़ेगा, इतना पार्ट करावा लगेगा, ठीक है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब बेसिकली क्या होता है, देखो जैसे कि ये सपोज रजिस्टर है और इसके ऊपर कलर प्रिंट किया है, अब ये कलर दिया है आपको एज ए रेड, ये कलर आपको दिया है एज ए ऑरेंज, ये कलर आपको दिया है एज ए ब्राउन, एंड यहां पे है आपको बोला है कि ये है गोल्डन,
एग्जाम में जो है आपको ऐसा प्रिंट करके देंगे एंड एरो के साथ कलर कौन सा है वो देंगे, लेकिन जब हम मार्केट में से इसको परचेस करते हैं ऐसे एरो नहीं होंगे वहां पे, हमें कलर देख के समझना पड़ेगा ये ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ठीक है। तो इस तरह से कलर बैंड प्रिंट किए होते हैं और हमें इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एकदम सिंपल प्रोसेस है। देखो हमें क्या करना है, सिंपली जो फर्स्ट कलर होगा, जो फर्स्ट कलर होगा उसका कोड लेना है, जो सेकंड कलर होगा उसका कोड लेना है, एंड दोनों कोड से मिला के एक सिंगल नंबर हमें बनाना है, ठीक है। अब ये देखो फर्स्ट मतलब ये लेफ्ट से अपन काउंट करेंगे, फर्स्ट कौन है कलर, रेड। अगर ये रेड कलर है तो रेड का कोड दिया है 2, तो यहां पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा। दूसरा कलर कौन है, वो है ऑरेंज, ऑरेंज के लिए कोड है 3, तो मुझे ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड कलर के जो भी कोड है साइड बाय साइड लिख के दोनों को मिला के एक नंबर बनाना है, तो यहाँ पे नंबर बन गया 23। अब उसके बाद में जो थर्ड कलर है उसका लगता है हमें मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर है मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, कौन है थर्ड कलर, ब्राउन, तो ये ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर है 10^1 यानी 10, तो ये बन जाएगा 10। उसके बाद में टोलरेंस, अलाउेबल एरर, जब भी हम लिखते हैं तो उसको ऐसे प्लस और माइनस के बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस एंड एट द एंड टोलरेंस चाहिए। टोलरेंस किसका, राइट मोस्ट कलर का, वो कौन, यहाँ पे गोल्डन है, तो ये गोल्डन के लिए टोलरेंस बन गया प्लस और माइनस 5%। तो गिवन जो भी रजिस्टर आपको दिया था उसके रेजिस्टेंस की ये वैल्यू मिल गई, है क्लियर? यस, आ गया समझ में सबको? क्लियर है का? यस सर। चलो ठीक है, तो अब मुझे बोलो, आपको फिर से दूसरा एक रजिस्टर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कलर बैंड प्रिंट किए हैं। पहला कलर आपको दिया है व्हाइट, दूसरा कलर आपको दिया है ब्लैक, तीसरा कलर दिया है वो भी ब्लैक, एंड लास्ट वाला कलर है उसमें आपको दिया है सिल्वर कलर प्रिंट करके, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, चलो सबको कैलकुलेट करना है, बहुत डिफिकल्ट है, आता तो है नहीं किसी को, देखते हैं आप कर पाते या नहीं। चलो बोलो पटपट, सबसे पहले पहला कलर कौन है, व्हाइट, तो व्हाइट का कोड कितना है 9, दूसरा कौन है ब्लैक, ब्लैक का कोड कितना है 0, तो ये नंबर कितना हो गया 90। थर्ड कलर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई के लिए कितना है 10^0, 10 की पावर 0 मतलब वो 1 होता है, प्लस और माइनस गोल्डन है मतलब टॉलरेंस होगा 5%, यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बनेगा 90 प्लस और माइनस 5%। क्लियर है सर? सिल्वर है सर, सिल्वर सिल्वर है, सिल्वर 10% है ना, बड़ा सिल्वर है क्या, ओके सिल्वर है, तो यहाँ पे 10% है, बराबर सिल्वर के लिए ये बन गया 10%। अब 90 का 10% कितना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर ऑप्शन में ऐसे परसेंट नहीं दिए और परसेंट की जगह पे वैल्यू दिए तो देखो ऐसे निकालते हैं, जैसे कि आपको बोला है कि 90 के निकालना है 10%, कैसे निकालते है मालूम है क्या? नहीं सर। परसेंटेज कैसे, परसेंटेज और नंबर कैसा काढ़ा है, इतनी है, देखो जितने भी परसेंट निकालने हैं वो 100 से निकालते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं 100 के 10, तो 90 के कितने, और उनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा 100 × x = क्या बनेगा 90 × 10, तो x = कितना होगा
19 टू 10 मतलब 900 अपॉन 100 यानी x आ गया 9 ओहम, तो 90 का 10% कितना हो गया 9, तो फाइनल रेजिस्टेंस बन गया आपका 90 प्लस और माइनस 9 ओहम। यानी अगर परसेंट में आंसर दिया तो एज इट इज रखो, लेकिन अगर ओहम में करके दिया तो गिवन रेजिस्टेंस का परसेंट निकाल के फिर उसको पुट करना है। क्लियर? यस यस। चलो वन मोर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट वाला दिया आपको ऑरेंज, सेकंड वाला दिया येलो, थर्ड वाला दिया रेड, उसके बाद में आपको दिया है गोल्डन। बोलो अब परसेंट में नहीं चाहिए मुझे आंसर, एक्चुअल ओम में चाहिए फाइनल आंसर। देखो सबसे पहले ऑरेंज, ऑरेंज का कोड कितना है 3, देन येलो, येलो का कोड कितना है 4, अब क्या करूं इनटू 10 रेज टू 2 पावर 2 मल्टीप्लाई रेड, रेड की पावर 10 की पावर 2 प्लस और माइनस 5% गोल्डन है, ठीक है 5% ये बन गया आपका रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे 3-4 इंटू 10 की पावर 2 है यानी ये बनेगा 3400। अब 3400 का 5% कितना आता है 3, कैसे निकालेंगे फिर से वही करना पड़ेगा, 100 का कितना चाहिए 5, तो 3400 का कितना होगा x, अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा 3400 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू x, 2020 गेट कैंसल, 5 इंटू 4 20, 0 यहाँ पे, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 2 मतलब 70, कितना आ गया 170, करेक्ट हो गया क्लियर? यस सर। मतलब अगर टेबल आपके पास है तो इजीली आप पूरा एक क्वेश्चन पूरे 4 मार्क के लिए इतना सिंपल है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है ये टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? तो टेबल लर्न करने के लिए देखो क्या हुआ था, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है जब वर्क कर रही थी तो इनको टेबल बना के दिया था एक पर्सन ने, किसने बना के दिया था एक पर्सन ने, जिसका नाम था बीबी रॉय, और वो बेसिकली वर्क कर रहा था ब्रिटेन में, यहां पे लिखता हूं बीबी रॉय वर्क कर रहा था ब्रिटेन में, ब्रिटेन ने मतलब यूके में मतलब इंग्लैंड में, वो खुद को क्या बोलते हैं ले भारी समझते तो वो खुद को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है? तो ये बीबी रॉय था जो ग्रेट ब्रिटेन में वर्क कर रहा था, और जब वो वर्क कर रहा था तो उसके पास बस दो चीजें थी, एक लैब जहां पे ये सारा वर्क चल रहा था एंड दूसरी थी उसके पास वेरी गुड वाइफ, ठीक है? लैब और दूसरी थी वेरी गुड वाइफ, और उसकी वाइफ क्या करती थी बीच बीच में आके उसको डिस्टर्ब करती थी, चाह गया पानी गया कॉफी गया, इसलिए वो उसको निकालने के लिए वहां से क्या बोलता था कि तू जाता ना खूब सुंदर दिखते है गोइंग सो नाइस, ठीक है? तो ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं था, ऐसा कोई ब्रिटेन नहीं था, ये टेबल लर्न करने के लिए बस ये सीक्वेंस है बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोइंग सो नाइस, ठीक है? ये सीक्वेंस याद रखेंगे, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कलर याद आ जाएंगे, कलर की सीक्वेंस अगर मेंटेन कर ली, ये तो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मल्टीप्लायर में भी 10 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 एंड टोलरेंस तो बस तीन कलर को है, गोल्डन के लिए प्लस और माइनस 5% प्लस और माइनस 10% प्लस और माइनस 20%, ठीक है? लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है कि बी का दो दो बार यूज हुआ है, जी का भी दो दो बार यूज हुआ है, तो ये सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए थोड़ा दो चार बार अगर इसको बोल लेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर आपको एक बात काउंट करनी है कि अल्फाबेट्स जिसमें ज्यादा है उसको थोड़ा ऊपर का दर्जा दिया गया है, ऊपर लिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन एंड ग्रे की बात करेंगे, 5 है 4 है इसलिए ग्रीन ऊपर है, एंड ये ब्लैक एंड ब्राउन दोनों में 5-5 है तो इसमें ब्लैक से शुरू होता है, ऐसे अगर रखेंगे सीक्वेंस तो पूरा टेबल लर्न हो जाएगा।
अगर क्वेश्चन दिखा तो उसका टेबल बनाने का, एक मिनट में टेबल आ गया। टेबल बनाने के लिए आपको जितना टाइम लगेगा, बाकी आंसर सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। है क्लियर फिर? यस सर। वीवी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोइंग सो नाइस। ठीक है, तो इस तरह से हम जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टर का, कार्बन रेजिस्टर का, उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसको एकदम ध्यान से प्रिपेयर करो। लास्ट टाइम बहुत बार, दो चार सालों में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आके गए हैं। ठीक है, चलो तो ये रेजिस्टर की बात कर रहे थे हम, तो इस रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सेम है जो हमने कैपेसिटर में देखा था। हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ चुके हैं, वहां पे भी मेरा यही क्वेश्चन था, यही सवाल था कि कैपेसिटर को सीरीज एंड पैरेलल में क्यों कनेक्ट करना है। उसका रीजन भी मैंने बोला था कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू कैपेसिटर की है सर्किट में डिजाइन करते टाइम, मैक्सिमम टाइम वो कैपेसिटी का कैपेसिटर मार्केट में हमें मिलता नहीं है, तो हम क्या करते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके उसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको अचीव करते हैं। वही बात रेजिस्टेंस की होती है। अभी मार्केट में अवेलेबल है पूरी रेंज में, लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो मार्केट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में 2 ओम, 20 ओम, 200 ओम ये सारे अवेलेबल है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड होता है 2.5 ओम। 2.5 ओम का तो रेजिस्टेंस मार्केट में मिलेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं उनको कंबाइन करते हैं वेरियस सर्किट में। और वहां पे दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक अगर रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है तो उस कॉम्बिनेशन को हम कंसिडर करते हैं एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई भी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, ऐसे रेजिस्टर हमने कनेक्ट किए है और इसको कनेक्ट किया है अक्रॉस पोटेंशियल V। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। तो जो रूल कैपेसिटर में थे वही रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। हम कैपेसिटर में देख रहे थे कि अगर वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन है वेरियस कैपेसिटर का, तो वहां पे फ्लो होने वाला करंट क्या होता है? वेरी गुड, सेम होता है। उस तरह से यहां पे अगर रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, वन आफ्टर अनदर कनेक्ट करेंगे, तो यहां से फ्लो होने वाला जो करंट है, जो R1 में से फ्लो होगा वही R2 में से फ्लो होगा, वही R3 में से फ्लो होगा, दूसरा रास्ता ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैठण टू औरंगाबाद हमने क्या किया है, वॉटर की पाइपलाइन बनाई है। तो एक बार पाइपलाइन में पैटर्न से जो पानी एंटर करेगा उसको औरंगाबाद में आने तक दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, तो हमने पाइप्स को एक के बाद एक ऐसे कनेक्ट किए, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, तो वहां पे फ्लो होने वाला वाटर सेम रहेगा। उसी तरह से ये एक के बाद एक कनेक्ट किए हुए रजिस्टर से, तो इनमें से फ्लो होने वाला करंट भी सेम रहेगा। क्लियर? क्लियर। लेकिन होता क्या है देखो, कि जितना प्रेशर पैटर्न में पाइपलाइन के अक्रॉस पानी मतलब अंदर डालने के लिए जो मोटर्स है वो अप्लाई करते हैं, वो औरंगाबाद तक सेम नहीं रहता है। वो प्रेशर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कम होता है, चेंज होता है। इसका मतलब हर एक पाइप का जो भी टुकड़ा होगा उसके अक्रॉस का पोटेंशियल, वहां पे प्रेशर का डिफरेंस होगा, वो डिफरेंट होगा। उसी तरह से अगर रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने की सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रोसेस है कि आपको देखना है कि करंट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये कैसे देखेंगे, एकदम सिंपल केस है। अगर करंट को जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं तो करंट ऑब्वियसली जाएगा, मतलब करंट डिवाइड होगा, मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा। लेकिन करंट को फ्लो होने के लिए, जाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है, एक ही कंडक्टिंग वायर है, तो उसी में से कंडक्टर को करंट को फ्लो होना पड़ेगा, यानी वहां पे करंट जो है फ्लो होगा उस सर्किट में से जो सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहां पे क्या होगा देखो, हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू होता है I इंटू R। तो यहां पे अगर हम देखेंगे R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, तो यहां पे V1 बनेगा I इंटू R1, V2 बनेगा I इंटू R2, V3 बनेगा I इंटू R3।
अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि हमने तो पोटेंशियल वी अप्लाई किया था, लेकिन वो तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस जाके V1, V2, V3 तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन हमें मालूम है यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व होना पड़ता है। इसका मतलब जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया था वही पोटेंशियल सर्किट में मेंटेन होगा, दैट्स व्हाई वी विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अगर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, वी का मतलब कौन है, आई इंटू आर, बस मैं इस आर को यस बोल देता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ये बनेगा आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। तीनों में से करंट कॉमन लेंगे, कैंसल करेंगे, तो कंडीशन बन गई आर एस इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यानी अगर रेजिस्टर्स को एक के बाद एक यानी सीरीज में कनेक्ट किया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, उनकी डायरेक्ट एडिशन करनी है। कैपेसिटर में एंड रेजिस्टर में ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखो। कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल था, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एडिशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एडिशन। क्लियर? यस सर। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी की तरह अगर रेजिस्टर को एक के नीचे एक, वन बिलो अनदर, यानी पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर, जिसको अपन अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर कर रहे हैं, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर, तो उस केस में रेजिस्टर्स ऐसे होंगे, फर्स्ट रेजिस्टर, सेकंड रेजिस्टर, ये थर्ड रेजिस्टर। अब ये कैसे आ गए, वन बिलो अनदर, कैसे हो गए, वन बिलो अनदर, एक के नीचे एक, ये बनेगा आर वन, ये बनेगा आर टू, ये बनेगा आर थ्री। अगर यहां से फ्लो होने वाला करंट आए है तो हमें मालूम हो जाएगा कि इस पॉइंट को आने के बाद करंट को तीन तीन रास्ते दिख रहे हैं, मतलब करंट क्या करेगा, तीनों रास्ते में से फ्लो हो जाएगा। जैसे पाइपलाइन हमारे गली में आ गई और वहां पे हर एक के कनेक्शन देने हैं, तो कनेक्शन हमने अगर पाइपलाइन के साथ कनेक्ट कर दिया तो हर एक नल में से पानी क्या होता है, फ्लो होता है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको दिखी ओपनिंग की वो जाने वाला है, ठीक है। उसी तरह से ये करंट को फ्लो कराने के लिए ये रेजिस्टर्स कंडक्टर अगर ऐसे दिख गए तो करंट फ्लो होगा और वो डिवाइड होगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो तीनों रेजिस्टर्स में से फ्लो होने वाले करंट्स बन गए I1, I2 एंड I3। क्लियर है? यस सर। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंडीशन क्या है कि करंट विल डिवाइडेड गेट डिवाइडेड अक्रॉस ईच रेजिस्टर बट पोटेंशियल रिमेंस सेम, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, करंट डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, मतलब कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बाकी पूरी प्रोसेस अभी यहां पे सेम रहेगी, हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू बनेगा आईआर। अब यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए केस बन रही है वी इक्वल्स टू I1 R1, क्योंकि सबके लिए पोटेंशियल सेम ही है, इसका मतलब यहाँ पे जो करंट है I1 है वो बनेगा वी अपॉन R1, उसी तरह से I2 बनेगा वी अपॉन R2, देन I3 बनेगा वी अपॉन R3। अब कंडीशन क्या है कि नेट फ्लो होने वाला करंट तो आई था, यहाँ पे जाके वो तीन ब्रांच में डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे आके फिर से आई बनने वाला है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई इक्वल्स टू होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पे V इक्वल्स टू IR के अकॉर्डिंग अगर मुझे I को रिप्लेस करना है तो मैं इसको V अपॉन RP ऐसे लिख सकता हूं, तो I1 बनेगा क्या, बनेगा I1 V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तीनों में से V को अगर कॉमन लेंगे, कैंसिल कराएंगे, तो हमें एक्सप्रेशन मिलता है 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें उनकी एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करनी पड़ती है। क्लियर? यस। अब मुझे बोलो कि अगर रेजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो गिवन रेजिस्टर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज। इंक्रीज होगी। एंड अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो डिक्रीज। डिक्रीज होगी, ठीक है।
तो अगर हमें रेजिस्टेंस जो था एक्चुअल में उससे ज्यादा इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, यानी आरएस इज ग्रेटर देन आर1 या फिर आर2 या फिर आर3, जो भी रेजिस्टेंस होंगे उनसे वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, एंड अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है, यानी जो आरपी रहेगा वो छोटा रहेगा आर1 से या फिर आर2 से या फिर आर3 से। है क्लियर? अगर आपको बोला गया है कि एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस इक्वल है, कितना है, इक्वल आर है, अगर उनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा आरएस इज इक्वल्स टू एन इनटू आर, एंड उनको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो एन बाय आर इज इक्वल टू एन आर बाय एन, कितना बनेगा आर बाय एन। क्लियर? यस सर। तो ये है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं वो सारे के सारे सिमिलर होंगे एज दैट ऑफ कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस कंडीशन क्या होगी, वहां पे सीरीज में एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल थी, यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन होगी। ठीक है, चलो तो आपको ऐसे 3 रेजिस्टर्स दिए है जो कनेक्टेड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन है, तो कैलकुलेट करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये R1, R2, R3, R4, R5 ऐसे दिए है, एंड हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बोली है 5, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये तीनों एक दूसरे के सीरीज में है, तो इनको रिप्लेस करेंगे एक रेजिस्टेंस से जिसको अपन RS1 बोलेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है तो इनको रिप्लेस करेंगे और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करेंगे, तो 2 रेजिस्टेंस बचेंगे। अब इनका RS1 जो है सीरीज में है, इसलिए ये बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 5 प्लस 5, मतलब ये हो गए 15 ओहम। अगर हमें RP1 चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करनी पड़ेगी। अब एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऐसी होगी, 1 upon RP1 equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, यानी कि 1/5 + 1/5, यानी कि 2/5 कौन है, 1 upon RP1 है। दोनों साइड में अगर उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा RP1 = 5/2 ओहम। क्लियर? एंड अगर 2 रेजिस्टेंस है उनका अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है तो आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, R1 R2 upon R1 plus R2। अगर 2 रेजिस्टेंस है तो मोर देन 2 है तो आप इसी प्रोसेस से कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये दोनों बच गए, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है और ये दोनों सीरीज में है, यानी फाइनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा RS1 plus RP1, यानी ये बन जाएगा 15 + 5/2, मतलब 2.5 होता है, यानी ये बनेगा 17.5 ओहम, या फिर इसको आप 35/2 ओहम ऐसे भी लिख सकते हो। करेक्ट है सबके आंसर्स? वेरी गुड। ठीक है, जिनका नहीं आया था आंसर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। R1 R2 R3 R4, ऐसे 4 रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ 10 ओहम, तो आपको निकालना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कर सकते हैं कैलकुलेट? देखो कंडीशन क्या है कि ये R1 को छोड़ दो, लेकिन यहां पे आने के बाद हमें दिख रहा है कि करंट जो है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। यहां से जाने वाला करंट है वो हो गया I1, यहां से आने वाला करंट है वो हो गया I2, यहां से आने वाला करंट है वो हो गया I3। अगर 3 ब्रांच में करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब ये तीनों कैसे एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर निकालना है तो ये बनेगा 1 upon R2 plus 1 upon R3
प्लस वन अपॉन आर फोर, तो ये वन अपॉन आर पी वन बनेगा, सारे टेन ओम है तो वन बाय टेन प्लस वन बाय टेन प्लस वन बाय टेन यानी थ्री बाय टेन, यानी आर पी वन आ गया टेन बाय थ्री ओम। अब ये तीनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस बचेगा, मतलब ये पहले वाला आर वन एंड अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो आर पी वन, अब ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो उस केस में हमें इनके डायरेक्ट एडिशन करनी पड़ेगी, तो आर वन प्लस आर पी वन यानी टेन प्लस टेन बाय थ्री यानी ये बनेगा फोर्टी बाय थ्री, फोर्टी बाय थ्री मतलब थर्टीन पॉइंट थ्री फोर ओम। यस अनुजा करेक्ट, तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टर, उसकी कलर कोडिंग, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की केस देखो कि मॉड्यूल में नंबर ऑफ एग्जांपल दिए बेस्ड ऑन दिस, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, इसलिए मैं पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड बैटरी एक छोटा सा पॉइंट है जो पेंडिंग है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, अगर उसको छोड़ देंगे तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी ये पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसमें कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों का हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन करते हैं एंड उस कॉम्बिनेशन से एक अलग टॉपिक बनाते हैं, दैट इज डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और ये डिवाइसेस के ऊपर का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीक में शुरू करने वाले, तो कुछ एक दो पॉइंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो छोड़ के बाकी पूरा टॉपिक हो गया है, तो जो हुआ है आज के लेक्चर में एंड जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो सारे पॉइंट्स जो है उनको मॉड्यूल में से ठीक से कंप्लीट कर लो, टुमारो टेस्ट विल बी देयर बेस्ड ऑन पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ के, है क्लियर? क्लियर ओके ठीक है।